हेलो फ्रेंड्स, मैं अच्छा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ। यह एक वर्ड ही धर्म को कट्टरता का रूप दे देता है। मैं अच्छा हूँ जहाँ एक और सेल्फ एस्टीम को बताता है, वहीं मैं ही अच्छा हूँ नार्सिसिज्म और ईगो को जन्म देता है। और यहीं पर छिपा है पूरे वर्ल्ड में जो टर्मोइल है, धर्म को लेकर, जिहाद को लेकर, क्रूसेड को लेकर, जैसे कि पूरे वर्ल्ड पीस को थ्रेट है, वो केवल एक माइंडसेट है। रामास्वामी उदायर की भी बेहतरीन जजमेंट में हमने ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट से यही सुना कि अगर सेकुलर कंट्री में मेजॉरिटी, जिसने कि आज तक सबको टॉलरेट किया और गेस्ट से भी ज़्यादा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर उन्होंने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव दिल में रखा और सबको अपने दिल में ही नहीं बल्कि संपत्ति में भी, अपनी भूमि में भी उनको अधिकार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा कि पहला राइट जो है वो मुस्लिम्स का ही है। बट यहाँ पर सच्चर कमेटी और इंडो आर्यन डिवाइड की जो पॉलिसी है, उसके बेसिस पर भारत बहुत ही टूटा। एक कंट्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी के बेसिस पे वर्क करती है और वहाँ पे जो मेजॉरिटी है उसका वे ऑफ लाइफ हिंदुइज्म है, यानी वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, उनको अगर बार बार इस तरीके से चैलेंज किया गया तो उन पे क्या गुजरेगी। इसको ना केवल मद्रास हाई कोर्ट ने सामने रखा इस बात को, बल्कि अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रिटरेट किया है। थैंक्स टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, आज हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने ना केवल अभी के टेम्पल डिमोल्यूशन के केस में बहुत कड़ा रुख दिखाया, बहुत कड़ा संज्ञान लिया, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने समय समय पर रिलीजियस इनटॉलरेंस, रिलीजियस फनेटिसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। आसिया बीबी केस के बाद भी हमने देखा कि किस तरह से उस समय के जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं मियां साकिब निसार, उन्होंने क्रिश्चियन माइनॉरिटी को एक्विट किया, जबकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट तक लोगों के एक्सट्रीमिस्ट व्यू के इन्फ्लुएंस में आकर बायस्ड जजमेंट दे चुके थे। यहाँ तक कि आसिया बीबी केस में बहुत सारे लोगों को लाइफ थ्रेट भी मिले। माइनॉरिटी मिनिस्टर शहबाज भट्टी और पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर बोथ वर असैसिनेटेड फॉर एडवोकेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ आसिया बीबी एंड अपोजिंग द ब्लैस्फेमी लॉज। आसिया बीबी केस के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। परवेज के केस में भी हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ पर बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ की जाती रही हैं। क्या आपको पता है कि 295A(b)(c) पाकिस्तान पिनल कोड के अधीन ब्लैस्फेमी के केस की हेयरिंग करते हैं, इनके अधीन ब्लैस्फेमी के केसेस की हेयरिंग की जाती है और यह हेयरिंग केवल एक मुस्लिम जज के द्वारा ही की जाएगी और इसमें सज़ा केवल और केवल फांसी है। यह केवल एक इस्लामिक कंट्री में ही होता है। और अब जब कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि हिंदू टेंपल्स को पाकिस्तान में फिर से डिमोलिश किया जा रहा है, जिसमें कि छोटे छोटे किड्स और वुमेन जो हैं वो इन्वॉल्व पाए गए। ये सारी ही पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड के द्वारा अभी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट ऐसी एट्रॉसिटीज़ की जानी शुरू की गई हैं। अगर हम पास्ट को भी देखें, हिस्ट्री को भी देखें, स्पेशली अगर इंडिया को देखें, तो यहाँ पर गौरी, गजनी, औरंगजेब, मीर कासिम इत्यादि ने समय समय पर भारत के मंदिरों को न केवल प्लंडर किया बल्कि उनको तोड़ा। तालिबान ने गौतम बुद्धा के जो मॉन्यूमेंट की हेरिटेज है उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, वो केवल प्यार ही सिखाता है। हम होमो सेपियंस को लव, टॉलरेंस और कंपैशन सिखाता है। आज यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है पाकिस्तान में जो अभी सिद्धि विनायक टेंपल को मॉब के द्वारा डिमोलिश किया गया है उसकी, और यहाँ पर भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी ने जो अपनी भूमिका निभाई है उसकी, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद जी, उन्होंने यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई कि वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, उनकी भूमिका के बारे में उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन रेज किए। लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग टाउन में 4 अगस्त को एक सिद्धि विनायक टेंपल को मॉब के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया।
मॉब ने टेंपल को इसलिए डिमोलिश किया क्योंकि वो विरोध कर रहे थे कि एक 8 वर्षीय हिंदू लड़के को अदालत ने उसके वहाँ के एक लोकल मदरसे में यूरिनेट करने के अपराध से उसे रिहा कर दिया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी ने मंदिर की इस तोड़फोड़ की घटना को पूरे देश के लिए, पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया, और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कड़ी निंदा की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो हैरान है कि पुलिस इतने छोटे बच्चे की मानसिकता को क्यों नहीं समझ पाई और उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। फर्दर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी ने यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब और IGP ऑफ पंजाब को कॉल किया और उन्हें 6 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, और साथ ही साथ इस मामले में जो भी शामिल है, जो भी संलिप्त है, उसको अरेस्ट करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया। उन्होंने ये कहा कि इस एक टेंपल डिमोलिशन के इंसिडेंट के कारण पाकिस्तान की छवि पूरे वर्ल्ड में धूमिल हुई है। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न भी रेज किया कि आज हिंदू कैसा फील कर रहे होंगे जब टेंपल्स को डिमोलिश किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्वेश्चन पुट किया कि अगर हिंदू हमारी मस्जिदों को ऐसे डिमोलिश करेंगे तो हमें कैसा फील होगा। राम उदायर की जजमेंट में जस्टिस साहब ने यही क्वेश्चन पुट किया था, यही हेल्ड किया था कि अगर हिंदू मुस्लिम्स के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते तो आज वो कहाँ जाते। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें तो उनके मुताबिक आज पाकिस्तान में 90 लाख के अराउंड हिंदू आबादी रहती है, और यह आबादी सिंध प्रांत में बसी हुई है जहाँ पर कि वह लोकल मुस्लिम निवासियों के साथ संस्कृति, परम्परा और भाषा साझा करते हैं, लेकिन अक्सर वो तरह तरह के एट्रोसिटीज़ का शिकार होते हैं, उनकी शिकायत करते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है इंडोनेशिया से कुछ सीखने की। एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी आज वो रामायण की संस्कृति को नहीं भूले हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। उनकी एयरलाइंस का नाम आज भी गरुड़ है, और वहाँ पर सरस्वती माता की जो प्रतिमाएँ हैं उनकी कैपिटल जकार्ता में जगह जगह पर देखी जा सकती हैं। आज हमें इसी तरह के टॉलरेंस और कल्चर की आवश्यकता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सेकुलर माइंड्स को जो कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वर्क करते हुए भी कभी जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते, उनको उनके एफर्ट्स को अप्लॉड करें। यहाँ पर हम नाम लेंगे मिस्टर जस्टिस मियां साकिब नासिर जी का, मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जी का, मिस्टर जस्टिस मजहर आलम खान जी का, और साथ ही साथ असैसिनेट किए गए माइनॉरिटी मिनिस्टर शहबाज भट्टी का, पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर का। साथ ही साथ हम ट्रिब्यूट देते हैं राम उदायर जैसी बेहतरीन जजमेंट देने के लिए जस्टिस N. किरुबकरन जी को और जस्टिस P. वेल मुर्गन जी को।